हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से गॉड इंस्ट्रूमेंटेशन क्लब चैनल में। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेसिक न्यूमेटिक सिस्टम। इससे पिछली क्लास में हमने बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में पढ़ा था। बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें तरल को लिक्विड को बलपूर्वक ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको हम हाइड्रोलिक सिस्टम कहते हैं। और हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बेसिक न्यूमेटिक सिस्टम रहेगा। और बेसिक न्यूमेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो वायु को बलपूर्वक, एयर को बलपूर्वक ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन ई लर्निंग क्लास। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि न्यूमेटिक सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम वायु को बलपूर्वक ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग करते हैं। न्यूमेटिक सिस्टम में न्यूमेटिक शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक शब्द से हुई है, और ये सिस्टम वायु और गैस के प्रवाह से ही संबंध रखते हैं। तो कंप्रेसर से संपीड़ित की गई वायु सीधे ही उपयोग में नहीं ला जा सकती, क्योंकि वायु में नमी उपस्थित होने के कारण पहले उसे दूर करके फिल्टर किया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम है, न्यूमेटिक सिस्टम में जो वायु है, एयर है, उसका ट्रीटमेंट करना भी आवश्यक होता है। तो पिक में आपको एक बेसिक न्यूमेटिक सिस्टम दिखाया गया है जिसमें जो है एयर प्रिपरेशन जो है ट्रीटमेंट करके एक एयर फिल्टर के द्वारा उसको ट्रीट किया गया है, उसको जो है फिल्टराइज किया गया है। उसके बाद हमारा वाल्व होता है, और वाल्व से जो आउटपुट होती है एयर की वो हमारे सीधे सिलेंडर को जाती है, और सिलेंडर जो है हमें हमारी एयर को बलपूर्वक ट्रांसमिट करके पावर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से हमारा न्यूमेटिक सिस्टम काम करता है। अब बात करते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम कि न्यूमेटिक सिस्टम में बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो न्यूमेटिक सिस्टम मुख्य रूप से पांच प्रकार के अवयवों से मिलकर बनता है, जिसमें हमारा सबसे पहले एक कंप्रेसर होता है जिसके द्वारा एयर को बनाया जाता है, एयर पैदा की जाती है। उसके बाद ए रिजर्वर, एक रिसीवर होता है जो एयर को स्टोर करता है, और एक वाल्व होता है, एक या एक से अधिक वाल्व हो सकते हैं जो एयर को कंट्रोल करते हैं। एक सर्किट होता है जिसके द्वारा जो है ये कंपोनेंट्स के अंदर से एयर मूव करती है इन कंपोनेंट्स के बीच में, और एक एक्चुएटर होता है या मोटर होती है जिसके साथ हम अपनी अपना कोई कार्य करते हैं और अपनी मैकेनिकल पावर का प्रयोग करते हैं। तो कॉमन न्यूमेटिक सिस्टम कंपोनेंट्स इस पिक में भी दिखाए गए हैं आपको कि किस प्रकार से वो जो एक न्यूमेटिक सिस्टम में आवश्यक अवयव होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, किस लिए उनका यूज किया जाता है, और वो क्या-क्या होते हैं। तो जैसे कि हमारा एक रिसीवर टैंक होता है, रेगुलेटर होता है जो कि हमारी एयर को फिल्टर करता है, एक कंप्रेसर होता है जिसके द्वारा वायु को बनाया जाता है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व होते हैं जिनके द्वारा एयर को कंट्रोल किया जाता है, हमारा सिलेंडर या मोटर होती है जिसके द्वारा हम अपनी पावर को यूज करते हैं, पावर एनर्जी को यूज करते हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ न्यूमेटिक कि न्यूमेटिक का नियम क्या होता है। तो न्यूमेटिक सिस्टम में हम वायु या गैसों का ही उपयोग करते हैं, इसलिए न्यूमेटिक से संबंधित नियम गैस के नियमों के द्वारा दिए जाते हैं, जो कि मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नियम हमारा होता है बॉयल का नियम, इसको हम बॉयल्स लॉ भी बोलते हैं। इस नियम के अनुसार किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन नियत ताप पर उसके प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जो हमारा वी वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज
यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो वी इज इक्वल टू वन अपॉन पी या पी वी, नियत कांस्टेंट के रूप में इसको हम इस प्रकार से इस समीकरण के द्वारा जो है ज्ञात करते हैं। उसके बाद आपको पिक में दिखाया गया है कि किस प्रकार से बॉयल्स लॉ को प्रूव किया जाता है। इसमें हमारा एक थर्मोमीटर्स जो कि टेम्परेचर मेजर के लिए होता है, गैस वाटर बाथ एक टैंक होता है, टेम्परेचर डायल होता है, और पिस्टन जिसके द्वारा हम जो है उस गैस एयर को उस गैस को कंप्रेस करते हैं, संपीड़ित करते हैं। तो मास द्रव्यमान जो है वो इस पिक में आपको दिखाया गया है। उसके बाद हमारा दूसरा नियम आता है चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स का जो नियम है इसको हम चार्ल्स लॉ भी बोलते हैं, और इस नियम के अनुसार किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन नियत दाब पर उसके परम दाब के समानुपाती होता है। मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इस नियम के अनुसार ये कार्य करता है। और पिक में आपको चार्ल्स लॉ का जो है कि चार्ल्स लॉ को हम कैसे प्रूव करते हैं वो आपको दिखाया गया है, जिसमें हमारा जो है एक प्रेशर गेज होती है, टेम्परेचर गेज है, और जो है एक पिस्टन है, पिस्टन को हमने वेट से जो है कनेक्ट कर रखा है, जोड़ रखा है, तो हम पिस्टन पर जो है मास अपना भार देते हैं और वो जो है एयर को या गैस को संपीड़ित करता है, कंप्रेस करता है, कंप्रेस करने के बाद जो उसकी गतिविधि होती है वो इसमें आपको दिखाई देती है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। जो हम फिक्स्ड मास रखते हैं, वॉल्यूम रखते हैं, वो टेम्परेचर के सीधे समानुपात में होता है। जो तीसरा लॉ है हमारा वो है कंबाइंड गैस लॉ। इसको हम गैस का संयुक्त नियम भी बोलते हैं। किसी गैस की निश्चित मात्रा के आयतन पर दाब और ताप का प्रभाव ज्ञात करने के लिए जिस नियम का प्रयोग किया जाता है उसे हम गैस का संयुक्त नियम कहते हैं। इस नियम को बॉयल या चार्ल्स के नियमों के संयोजन से बनाया जाता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि बॉयल्स ये जो नियम होता है वो तीन प्रकार के नियमों से मिलकर बनता है, बॉयल्स ला, चार्ल्स ला और गे लुसाक्स ला। तो इस प्रकार से ये तीन ला होते हैं, गे लुसाक्स ला जो तीसरा ला है, और बॉयल्स ला चार्ल्स ला के बारे में हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। तो इन तीनों लाज को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास कंबाइंड गैस ला जो है वो तैयार हो जाता है, वो हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से पिक में भी आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है कंबाइंड गैस ला में हमारे बॉयल्स ला और चार्ल्स ला और गे लुसाक्स ला वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। आपको ये तो मालूम है कि न्यूमेटिक सिस्टम में हम वायु और गैस का ही प्रयोग करते हैं, तो जिस वायु का प्रयोग किया जाता है उसमें क्या क्या गुण होते हैं उसकी चर्चा हम इस स्लाइड में करेंगे। तो सबसे पहले एयर टेक्स अप स्पेस, वायु स्थान घेरती है, इट्स मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो वायु होती है वो अणु और परमाणु से मिलकर बनती है। उसके बाद एयर इज मेड ऑफ गैसेस, वायु गैसों के द्वारा बनी होती है, और इसमें विभिन्न प्रकार की नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर और अदर मेटेरियल की गैसें सम्मिलित होती हैं। एयर एग्जर्ट्स प्रेशर, वायु के अंदर प्रेशर होता है, और दाब, वायु का जो दाब होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण कम होता है। वायु का दाब समुद्र लेवल पर जो सी लेवल होता है उस पर 14.7 पास्कल माना जाता है। उसके बाद एयर हैज वेट, वायु में भार भी होता है, और यह भार उसके दाब और ताप द्वारा परिवर्तित होता रहता है, वेरी करता रहता है। उसके बाद एयर कैन बी कंप्रेस्ड, वायु को हम कंप्रेस कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं, और संपीड़ित करके ही हम जो है न्यूमेटिक सिस्टम में वायु को
पावर एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। एयर इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, वायु जो है वो तापमान के द्वारा प्रभावित होती है, और जब वायु गर्म होती है तो यह फैलती है, और जब यह ठंडी होती है तो यह संकुचित होती है, सिंगुड़ती है, कंप्रेस होती है। तो तापमान वायु के आयतन और दाब दोनों को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से आपको पिक के माध्यम से भी समझाया गया है कि देखिए, एग्जर्ट प्रेशर्स नीडेड फॉर बर्निंग जो प्रॉपर्टीज है एयर की, हैज वेट और ऑक्यूपाई स्पेस, जैसे कि जो है आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है कि एक बैलून के अंदर जब हम हवा भरते हैं तो वो उसमें हम उस वायु का जो है वेट जो है हम एज्यूम कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो इस पिक में आपने एयर के प्रॉपर्टीज के बारे में जाना है तो आपको अच्छे से समझ आया है। अब बात करते हैं एयर ट्रीटमेंट की, कि एयर ट्रीटमेंट क्या होता है और क्यों आवश्यक होता है। तो सबसे पहले जो एयर ट्रीटमेंट का इंट्रोडक्शन है वो आपको बता कराया जाता है कि वायु पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में स्थित होती है, ये तो हम सभी को मालूम है, और यह वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें, धूल, धुआं, जल, वाष्प आदि उपस्थित होते हैं। तो वायुमंडल में इन धूल, धुआं, जल, वाष्प के उपस्थित होने के कारण जो हमारी वायु होती है वो दूषित हो जाती है, और जिसे उपयोग में लाने से पहले उसे शुद्ध करना बहुत आवश्यक होता है। तो जो वायु को शुद्ध करने की विधि होती है उसे हम एयर ट्रीटमेंट कहते हैं। तो किसी भी न्यूमेटिक सिस्टम में फ्लूइड के रूप में एयर या गैस का उपयोग किया जाता है, और उपयोग की जाने वाली वातावरणीय एयर जल वाष्प के रूप में नमी रखती है, उसमें मॉइस्चर होता है। तो इस मॉइस्चर को, इस धूल को, धुआं को, जल वाष्प को शुद्ध दूर करने के लिए और शुद्ध वायु प्राप्त करने के लिए हमें एयर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम एयर ट्रीटमेंट करते हैं, और एयर ट्रीटमेंट करने की दो विधियां होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले विधि हमारी होती है प्राइमरी एयर ट्रीटमेंट। इस प्राइमरी एयर ट्रीटमेंट में हम फिल्टरों के द्वारा जो है वायु के अंदर से नमी को, मॉइस्चर को अलग करते हैं, उसको सोखते हैं, और उसके बाद होता है हमारा जो है सेकेंडरी एयर ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी एयर ट्रीटमेंट में एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंप्रेस्ड संपीड़ित एयर ट्रीटमेंट की अंतिम स्टेज तक कंप्रेस्ड एयर को पहुंचाता है, जिसे सेकेंडरी एयर ट्रीटमेंट कहते हैं। मतलब प्राइमरी एयर ट्रीटमेंट के बाद सेकेंडरी एयर ट्रीटमेंट में भी वायु को अंतिम स्टेज तक कंप्रेस्ड करके जो है कंप्रेस्ड एयर को पहुंचाता है, और इस प्रकार से सेकेंडरी एयर ट्रीटमेंट में हम वायु को शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं। तो एयर ट्रीटमेंट एक ऐसी विधि होती है जिसमें हम वायु के अंदर उपस्थित गैस, धूल, धुआं, जल वाष्प, नमी आदि को दूर करके शुद्ध रूप में वायु को प्राप्त करते हैं, एयर को प्राप्त करते हैं। और इसकी दो विधि आपको बताई गई है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने बेसिक न्यूमेटिक्स के बारे में जाना कि बेसिक न्यूमेटिक्स का इंडस्ट्री में क्या महत्व होता है, और इसमें जो हमारी पावर ट्रांसमिट की जाती है वो किस के द्वारा की जाती है, जो कि जिसमें हम वायु या गैस को कंप्रेस करके मैकेनिकल पावर में ट्रांसमिट, पावर एनर्जी में ट्रांसमिट करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा बेसिक न्यूमेटिक सिस्टम है उसका औद्योगिक जगत में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इस प्रकार से आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स।